भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निःशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मैंने शरीर को बनाया या माँ बाप ने बनाया? मैं नहीं होता तो क्या कर लेते माँ बाप? तीनों मिलके का तीनों ना से मिलके बना लेंगे। वो तो तुम सही नहीं है माँ बाप बना रहे, तुम कहां से आ गए? तुम तो बाद में आए। तीनों ने मिलके कहां से बनाती? ऐसा हो सकता है तीनों मिलके बना ले? तो जब तीनों मिलके ही बना रहे बनाता है तो रहे क्या निमित्तों से शरीर बन जाता है? कहते हैं ना भाई, हिंदू परंपरा में कहते हैं पांच तत्वों से शरीर बना है। क्या बोलते हैं? कौन कौन से पांच तत्व? पृथ्वी जल अग्नि पंच स्थावर है ना, इनसे बोलते हैं कि जीव का जन्म होता है। वैष्णव परंपरा में कहते हैं कि पांच तत्व जहां मिल जाए वहां जीव पैदा हो जाता है। तो ये जैनी ने क्या किया कि एक भिगोने में पानी तत्व रख दिया, नीचे से आग जला दी, अग्नि तत्व हो गया। भिगोना मिट्टी का था, वो मिट्टी तत्व हो गया पृथ्वी, है ना। और हवा लगी रही है, अब सब मिला दिया, बोले अब जीव पैदा करो, कैसे हो? यदि पांच तत्वों से ये शरीर बना है तो उन पांच तत्वों को यदि चूल्हे में मिला दो तो जीव पैदा होगा क्या? गर्व नहीं होगा? देखो चूल्हा जल रहा तो अग्नि तत्व है कि नहीं, बोलो। उसे मिट्टी की भिगोनी रखी, पृथ्वी तत्व है कि नहीं? उसमें पानी वाला जल तत्व है कि नहीं? हवा तो उसमें है, लकड़ी जल रही वनस्पति तत्व है कि नहीं? अभी पांचों मिल गए तो जीव पैदा क्यों नहीं होगा? और जो बच जो बेचारे थे पैदा उनको निपटा दिया। बोलिए शरीर आपने बनाया या माँ बाप? आप गोरे होंगे या काले, इसमें माँ बाप का हाथ है या तुम्हारा हाथ है? माँ बाप का हाथ। एक ही बाप से एक काला एक गोरा क्यों हो, गड़बड़ हो जाता है? आप छोटे होंगे या लंबे, माँ बाप का हाथ है? किसका हाथ? आप सुंदर होंगे या बदसूरत, ये माँ बाप का हाथ। सुंदर माँ बाप से भी बदसूरत औलाद होती है कि नहीं, बोलो। और कभी कभी औलाद सुंदर होती है तो माँ बाप बदसूरत होते हैं, तो फिर उनका क्या हाथ है इसमें? देखो तुम्हें अगले जन्म में कहाँ जाना है ये इसी जन्म में डिसाइड होगा। समझ में आ रहा? ये माँ बाप कुछ नहीं करे। क्या डिसाइड होगा? अगले जन्म में तुम्हें कहाँ पैदा होना है ये मरने से पहले यही डिसाइड होगा। वो तुम्हारी मर्जी है, वो मर्जी है, पर क्या करें? वो तो देखो ये भी अपने अपने अनुसार डिसाइड कर लो किसको कहाँ जाना। ये टिकट भी तुम नहीं लेना, ट्रेन तो बहुत सी खड़ी प्लेटफार्म पे, बैठना किसमें? नहीं वो नहीं बोल रहा है, तो फिर बोलो ये थर्ड क्लास में क्यों बैठ रहे? ले तुम जाओ, वो तो टू टायर में जाएंगे, दो इंजन में जाएंगे, तो थ्री टायर में जाएगा, तीन इंजन में, तुम फर्स्ट क्लास एक इंजन में जाओ। ऐसा मत सोचो, समझ में आ रहा? तो अगले जन्म में हमको कहाँ जाना है ये इसी जन्म में डिसाइड होगा, ये मान के रखते। और एक बात और ध्यान रखना, जिसका डिसाइड नहीं हुआ और जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक वो मर भी नहीं सकता। ध्यान रखना, आइए कर, जब तक अगला नहीं बन जाएगा, जब तक रिजर्वेशन नहीं हो जाएगा तब तक
तक ये कमरा खाली नहीं होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में? ये कमरा कब खाली होगा? जब अगले फ्लैट की बुकिंग हो जाएगी, है ना? इसलिए कभी कभी ध्यान रखो, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होता है, वो चार बैठे कार में एक मरता है, तीन नहीं मरते। क्यों नहीं मरे? उसकी तो बुकिंग हो गई थी, है ना? तीन की अभी डिसाइड नहीं हुआ, नहीं तो आत्मा निकल के फिर जाएगी कहां? समझ में आ रहा? आत्मा यही डिसाइड करती है कि अगला जन्म कहां लेना। जब तक टिकट नहीं होगी तब तक ये घर से कैसे निकलेगी? कार का, बस का एक्सीडेंट हुआ, 50 मर गए, लेकिन बाकी नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? एक्सीडेंट तो एक से ही हुआ था, गिरे तो एक से ही थी, चोट तो एक से आई, एक मरा एक नहीं मरा, ऐसा क्यों? वो ही मरेगा जिसकी अगली बुकिंग हो चुकी है। और ये लोग इसलिए बच गए क्योंकि इन्होंने अभी अपनी अगली आयु डिसाइड नहीं की है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है जिसकी आयु कर्म बन जाता है उसका अकाल मौत हो सकता है, और जिसका नहीं बंधा उसकी अकाल मौत नहीं होती, और जिसकी बन गई है डॉक्टर के बाप भी नहीं बचा सकते, और जिसकी आयु अभी पिछले जन्म अगले जन्म की नहीं बंधी है, पत्थर की शिला में भी दबाव तो यूं ही हिलती है, मरेगा। कच्छ में भूकंप आया, 7-7 दिन लोग दबे रहे, है ना? मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? आयु शेष नहीं, अगली बुकिंग नहीं हुई, इसलिए आयु शेष थोड़ी, आयु तो शेष रहती नहीं, पीछे ही मर जाए, आत्मघात हो जाता, सुसाइड हो जाती, हत्या हो जाती, लेकिन हत्या भी नहीं होगी जब तक अगली नहीं बनती। बाहर हो जाएंगे, चाकू लग जाएंगे, मरोगे नहीं, क्योंकि अभी अगली आयु का बंध नहीं, उनकी बंध नहीं तो मरेंगे, नहीं तो फांसी लगा, फांदा टूट जाए। समझ में आ रहा? लटके रहोगे, कोई आदमी आएगा वो काट लेगा। क्यों? कोशिश तो करी लेकिन मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? कि ये जीव यदि डिसाइड नहीं करेगा फिर जाएगा कहां? चार गति में से गति तो उसे यही डिसाइड करना पड़ेगी ना कि मुझे कहां पैदा होगा। नहीं यार, कठिन हो रहा है। प्रत्येक वही चीटी पैर तले मरेगी जिसकी आयु बन गई अगली, और यदि नहीं बन नहीं बंधी उसकी आयु, पैर भी रख दो तो चुप हो जाएगी, फिर चलने लगेगी। सब पूरे तीनों लोक में ये सिस्टम। देवताओं की आत्महत्या क्यों नहीं होती? नरकों में आत्महत्या क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि उनका आयु बंध जब भी होगा मरने से 6 महीने पहले होता, उसके पहले नहीं होता, इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर सकते। 6 महीने पहले माला खुल जाती है, देवताओं को पता चल जाता है अब मेरी आयु 6 महीने बची, उन्हें लगने लगता कि अब मेरी आयु कर्म का बंध हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन जब तक माला नहीं मुड़ जाती तब तक तो वो जीते ही रहता, उसे सुसाइड हो नहीं सकता। नरक में तिल तिल टुकड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आयु नहीं बनती, इसलिए फिर जिंदा हो जाते। कहते ना मौत के मुंह से निकल आए, कभी अगली बुकिंग नहीं हुई इसलिए निकल आए, और बुकिंग हो जाती बेटा तो निपट गए। समझ में आ रहा? तो देखो अगली आयु भी हम यही डिसाइड करते हैं, और तो और सोचो माँ बाप भी यही डिसाइड हो जाते हैं किसके यहां पैदा हो, समझो कौन से गांव में हो, तब तो निकल के जाएगा। इस शरीर को छोड़ने से पहले गांव, माँ बाप, स्थान, टाइम, टिकट में क्या क्या लिखा रहता है? गाड़ी छूटने का समय लिखा, सीट नंबर, बोगी नंबर, ये सब मिलेंगे अपने मरने से पहले। कौन से गांव में, कौन से माँ बाप के यहां, समझ में आ रहा? कितने बजे, ये भी डिसाइड। जब ये डिसाइड नहीं होगा तब तक तुम इस बॉडी को छोड़ ही नहीं सकते। जीता है कभी भी हो सकता है, और नहीं हुआ तो मरते समय, अंत समय, उस समय
तुरंत बन जाए। बिना बांधे आत्मा शरीर को छोड़ेगी, इतनी होशियार है आत्मा कि इसको छोड़ दूं और अगली मिलाई तो मैं जाऊंगी ना, है ना। आयु कर्म को समझना है, अलग विषय नहीं है, अलग विषय है। कब बनता है, कैसे बनता है, क्या हो बताइए, क्या ब्लैक बोर्ड चाहिए उसकी। तुझे क्या अपन पहले सामान्य चर्चा कर लें कि कलर, रूप, रंग, हाइट सब दिशाएं कहां होती है, कहां पे होती है, इस जन्म समझ में आया। वहां माता पिता का संसर्ग हुआ, समझना।